डिजिटल इंडिया ने कैसे बदली भारत की तस्वीर, मोदी सरकार के विजन ने कैसे आसान बना दिया 140 करोड़ भारतीयों का जीवन। नॉट टू टेल पीपल गो टू योर विलेज फेयर बाई पोटेटोज एंड टोमेटोज एंड पे 7 rupees 50 paisa बाय क्रेडिट कार्ड। व्हाट विल द पुअर लेडी डू? डज शी हैव अ पीओएस मशीन देयर? इज इट कनेक्टेड टू आवर इलेक्ट्रिसिटी सोर्स? इज देयर वाईफाई देयर? इज इंटरनेट वर्किंग देयर? मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने भरी संसद में जिस डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाया था, उसी मिशन के सहारे आज मोदी सरकार ने 140 करोड़ भारतीयों की जिंदगी बदल दी और उसी डिजिटल इंडिया के कारण दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान लॉन्च किया था, जो आजाद भारत में किए गए सरकार के सबसे बड़े रिफॉर्म में से एक मानकर उभरा। उभरते भारत की पहचान आज तेज अर्थव्यवस्था, सैन्य ताकत के अलावा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किंग के रूप में हो रही है। डिजिटल इंडिया की कामयाबी के पीछे एक चमकता सितारा है UPI, जिसने पैसों के लेन देन को इतना आसान बना दिया कि रेहड़ी पटरी वाले से लेकर बड़े बड़े कारोबारी तक इसका इस्तेमाल करते हैं। साल 2023 में 100 अरब से अधिक UPI ट्रांजैक्शन हुए और 182 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। G20 सम्मेलन में दुनिया भर से आए बड़े बड़े प्रतिनिधियों ने UPI से पेमेंट किया। संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मलेशिया सहित 10 से ज्यादा देश UPI अडॉप्ट कर चुके हैं और कई इसे लेने के लिए लाइन में लगे हैं। आज रियल टाइम डिजिटल पेमेंट के मामले में चीन, साउथ कोरिया को पछाड़कर भारत दुनिया के पहले स्थान पर काबिज हुआ है। जानकार बताते हैं कि भारत का डिजिटल पेमेंट मार्केट 2026 तक $3 trillion से $10 trillion तक, यानी कि तिगुने से अधिक हो जाएगा। कैशलेस पेमेंट को प्रमोट करने के लिए और आम आदमी को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने रुपे कार्ड और UPI ट्रांजैक्शन पर MDR यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को खत्म किया, जिससे लोगों को ट्रांजैक्शन करते समय कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता। UPI का इस्तेमाल शहर से लेकर गांव तक इसलिए लोकप्रिय बना क्योंकि ये कन्वीनियंट और यूजर फ्रेंडली है। इसमें बस आपको अपने पिन का इस्तेमाल करना होता है और पेमेंट हो जाता है। 2023 तक मोदी सरकार के कार्यकाल में 1.98 लाख ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का हिस्सा बनी। रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। पहले रेलवे की टिकटों के लिए मारामारी और एजेंट्स पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब इंटरनेट और मोबाइल के जरिए बड़ी आसानी से टिकट बुकिंग हो जाती है। महामारी के समय आरोग्य सेतु ऐप ने वैक्सीन बुकिंग में काफी मदद की। मोदी सरकार ने डिजिटल रूपी को लॉन्च किया है, जिसे भारतीय करेंसी का भविष्य बताया जा रहा है। KYC प्रणाली और डिजी लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाया। देश में हुई डिजिटल क्रांति का कारण मोबाइल और डेटा पैकेज का सस्ता होना भी है, जिसने आम जन तक इंटरनेट की पहुंच को आसान बनाया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भले ही औपचारिक रूप से 2015 में शुरू हुआ, लेकिन इसकी नींव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में ही रखनी थी, जब उनकी सरकार ने भारत में एक सशक्त सूचना और संचार नेटवर्क बनाने की योजना की घोषणा की थी। आज डिजिटल अपनाने के मंच पर भारत सबसे आगे है। देश के 84 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। देश में 100 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 60 करोड़ लोग स्मार्टफोन चलाते हैं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था साल 2025 तक $1 trillion पार करने की संभावना है। डिजिटल इंडिया ये वो सपना था जो मोदी सरकार ने साल 2014 में देखा था और महज 10 सालों में भारत ने दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों को डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। बैंक हो, पहचान का प्रमाण हो, यात्रा की सुविधा हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, ये सारे काम आज आप एक क्लिक में कर सकते हैं। 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसी डिजिटल क्रांति की बात की थी, जिसका डंका विश्व भर में बज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।